हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शहजादेज किचन। आज हम बनाएंगे दही फ्रूट कस्टर्ड। जैसा कि समर का सीजन आ चुका है और लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमारे लिए बहुत हेल्दी हो और खाने में भी अच्छा लगे। तो दही फ्रूट कस्टर्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में रखे सामान से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दही फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दही। ये घर का जमा ताज़ा कम खट्टा दही है और ये वजन में लगभग 250 ग्राम के बराबर है। अब हम दही को एक क्रीमी और स्मूथ टेक्सचर देने के लिए एक बड़े छेद की छलनी से छानेंगे। ऐसा करने से दही में जो पानी और लम्स अलग अलग थे वे आपस में मिल जाएंगे और एक जैसी कंसिस्टेंसी का हमारा दही कस्टर्ड के लिए तैयार हो जाएगा। गर्मियों में दही खाना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है और कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, इसलिए हमें दही खाना चाहिए। देखिए, हमने सारे दही को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। दही फ्रूट कस्टर्ड थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, तो आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क, शहद या चीनी मिला सकते हैं इसे मीठा करने के लिए। मैं इसमें लगभग 2.5 टेबल स्पून चीनी का पिसा हुआ पाउडर मिला रही हूँ। आप जितना मीठा फ्रूट कस्टर्ड पसंद करते हैं उस हिसाब से ही चीनी मिलाएं। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे साइड में रख देंगे। फ्रूट वाला दही कस्टर्ड बना रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ फ्रूट्स। मैंने यहाँ लिया है एक छोटी साइज का एप्पल, अनार लिया है। इसे मैं दही के क्वांटिटी के हिसाब से आधा ही यूज करूंगी और साथ ही लिए 25 से 30 अंगूर। इन्हें मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके लूंगी। ये देखिए, अंगूर को मैंने 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया है। एप्पल को भी छील कर इसका छिलका हटा लिया है। अब इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। छोटे टुकड़ों में कट करने से ये दही के साथ अच्छे से कोट हो जाएंगे और खाते वक्त बहुत टेस्टी लगेंगे। चाहे तो कस्टर्ड में अपनी पसंद के और भी दूसरे फ्रूट्स ले सकते हैं। आप इसमें केला, खरबूज, पपीता, जो भी आपके पास अवेलेबल हो इसमें चॉप करके डाल सकते हैं। टूटी फ्रूटी को भी इसमें डाल सकते हैं। आप जितने ज़्यादा फ्रूट्स इसमें डालेंगे आपका कस्टर्ड उतना ही हेल्दी बनेगा और बच्चे भी इस तरह से कस्टर्ड में फ्रूट्स खाना एंजॉय करते हैं। अनार को भी छीलकर उसके दाने मैंने निकाल लिए हैं, खराब दानों को छाटकर अलग कर दिया है और इन्हें एक बार साफ पानी से धो लिया है। फ्रूट्स हमारे कस्टर्ड में डालने के लिए रेडी हैं। अब हम दही फ्रूट कस्टर्ड का फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे 1 पिंच के बराबर काला नमक। नमक डालने से कस्टर्ड की मिठास बैलेंस हो जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। 2 इलायची के दानों को पीसकर इसका पाउडर बनाकर डालेंगे। इससे हमारा कस्टर्ड बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। जो फ्रूट्स हमने कट करके रखे हैं उन्हें भी हम दही में डालते जाएंगे। बार सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डालने से विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा हमारे कस्टर्ड में बढ़ जाती है, बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने यहाँ 5 काजू और 5 बादाम को एकदम बारीक बारीक काट कर डाला है और साथ ही 8 से 10 केसर के धागे डाल रही हूँ। मीठे दही में केसर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और इससे दही कस्टर्ड का लुक भी बहुत बढ़ जाता है। आप इसमें मेलन सीड्स, पिस्ता वगैरह जो भी आप पसंद करते हैं डाल सकते हैं। अब एक बार इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये हमारा बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस दही फ्रूट कस्टर्ड बनकर सर्व करने के लिए तैयार है। आप इस डेजर्ट को ठंडा ठंडा सर्व करें और बचे हुए फ्रूट कस्टर्ड को फ्रीज में ही स्टोर करें। आपको मेरी दही फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।